फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि Mi Box 4K जैसे Android TV बॉक्स के साथ साउंड बार को कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके टीवी पर HDMI आर्क जैसा पोर्ट अवेलेबल नहीं है जिस पर हम ऐसे HDMI केबल को अटैच करके वीडियो और ऑडियो दोनों ही सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे दो ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं जिसे यूज करके आप Mi Box 4K को साउंड बार के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली स्टार्ट शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस। अगर हम Mi Box 4K के पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इस पर हमें एक ऑडियो रिलेटेड ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है। देखने में तो ये नॉर्मल 3.5mm पोर्ट जैसा लगता है जिस पर हम हेडसेट कनेक्ट करते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये एक नॉर्मल पोर्ट से भी कुछ ज्यादा काम करता है, क्योंकि जब आप अपने डिवाइस को यानी कि Mi Box 4K को पावर सप्लाई देते हो तो इसी सेम पोर्ट से आपको एक पिंकिश या रेड कलर का लाइट हल्का सा बाहर आता हुआ दिखेगा। ये लाइट कोई पावर इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये लाइट डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। तो ऐसे डिजिटल ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक ऐसे डिजिटल केबल की जरूरत पड़ती है। इस डिजिटल केबल को कहते हैं टॉसलिंग टू मिनी टॉसलिंग केबल, क्योंकि इस केबल के एक एंड पर आपको फुल फ्लेज टॉसलिंग हेड मिल जाता है तो दूसरे एंड पर आपको 3.5mm जैक जैसा दिखने वाला एक हेड मिलता है। बट फ्रेंड्स, ये 3.5mm जैक से डिफरेंट काम करता है, क्योंकि इसी हेड के थ्रू आप ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाते हो अपने साउंड बार तक। ये दो हेड्स एक डिजिटल फाइबर केबल के साथ अटैच होते हैं, जिस केबल के थ्रू वो लाइट ट्रांसमिट होता है और आपके साउंड बार तक पहुंचता है। देयरफॉर फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल ऑडियो केबल से ज्यादा पावरफुल होता है टू कैरी साउंड। हमने इस पर्टिकुलर केबल को Amazon से परचेस किया है अराउंड ₹600 में। ये केबल बेसिकली एक चाइनीज प्रोडक्ट है जो 6 फीट लेंथ के साथ आता है, और हमारे हिसाब से ये लेंथ इनफ है अगर आप एक नॉर्मल एवरेज यूजर है। तो इस पर्टिकुलर केबल को हम कुछ लास्ट 15 डेज से यूज कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये एक डिसेंट क्वालिटी का केबल है, और अगर हम इसके हेड के अराउंड की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये भी हमें डिसेंट सा लगता है। देयरफॉर अगर आपको यही पर्टिकुलर ब्रांड का केबल पसंद आया है तो आप इसे परचेस कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कोई और ब्रांड पता है जो आपको बेटर प्राइस में बेटर क्वालिटी देता है और मोर इम्पोर्टेंटली वो आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से होता है, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। तो इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस मिनी टॉसलिंग हेड को Mi Box 4K के ऑडियो आउटपुट पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसे इंसर्ट करोगे तो वो लाइट इस वायर के थ्रू पास होगा और दूसरे साइड पर यानी कि टॉसलिंग वाले साइड पर आपको ये हल्का सा बाहर आता हुआ दिखेगा। अब हमें इस टॉसलिंग हेड को, जिसके थ्रू हल्का सा रेड लाइट बाहर आ रहा है, उसे सही तरीके से साउंड बार के पीछे ऑप्टिकल पोर्ट पर इंसर्ट करना है। ये ऑप्टिकल पोर्ट कुछ इस तरह दिखता है। जैसे ही आपने सारा कनेक्शन सही तरीके से कर लिया हो, फिर आपको साउंड बार को ऑन करना है और फिर साउंड बार के सोर्स मोड पर चले जाना है। सोर्स मोड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ऑक्सिलरी, HDMI आर्क, USB, ब्लूटूथ और DIN यानी कि डिजिटल इन। तो Mi Box 4K से साउंड सिग्नल को साउंड बार तक पहुंचाने के लिए, वो भी उसी डिजिटल केबल के थ्रू, आपको DIN जैसे सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके साउंड बार पर शायद कोई और नाम के साथ हो सकता है, जैसे कि डायरेक्टली डिजिटल इन नाम के साथ भी हो सकता है। अब हमें Mi Box 4K के साउंड सेटिंग्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन को एनेबल करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। फिर सेटिंग्स के अंदर हम डिवाइस प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे और डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर हमें साउंड ऑप्शन पर चले जाना है। साउंड ऑप्शन के अंदर हमें डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट रिलेटेड एक सेक्शन मिलेगा। हमें सिंपली उस सेक्शन के अंदर चले जाना है और उस सेक्शन के अंदर हमें SPDIF करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद हमारा वायर रेडी हो जाएगा या हमारा केबल रेडी हो जाएगा साउंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए Mi Box 4K से साउंड बार तक। और अगर हम इसे एनेबल नहीं करते हैं तो कोई भी ऑडियो हमें सुनाई नहीं देगा।
अब हम कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर चेक करेंगे कि वेदर हमें डॉल्बी डिजिटल या 5.1 रिलेटेड ऑडियो ऑप्शंस मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम नेटफ्लिक्स पर चले जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर जाकर हम कुछ ऐसे टाइटल्स को सर्च करेंगे जिस पर हमें यूजुअली 5.1 या डॉल्बी डिजिटल रिलेटेड ऑडियो ऑप्शंस मिलता है। ऐसे टाइटल्स में से हम एक टाइटल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके ऑडियो ऑप्शंस या ऑडियो सेटिंग्स पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हमें डॉल्बी डिजिटल या 5.1 रिलेटेड कुछ ऑडियो ऑप्शंस मिल रहे हैं। सिमिलरली हम हॉटस्टार के अंदर चले जाएंगे और हॉटस्टार के अंदर हम 5.1 या डॉल्बी डिजिटल रिलेटेड टाइटल को सर्च करके उसे प्ले करेंगे और फिर उसके वीडियो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर जाकर हम स्टैट्स पर चेक करेंगे कि हमें कौन सा साउंड सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर मेंशन है कि हमें डॉल्बी 5.1 रिलेटेड साउंड सपोर्ट मिल रहा है। अब हम OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स पर जाकर एक टाइटल को प्ले करेंगे और वहां पर हम इसके साउंड आउटपुट या साउंड क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। तो इस साउंड को हमने कैमरा माइक से रिकॉर्ड किया है, तो शायद यह आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा जज करना कि इन रियलिटी ये कैसा परफॉर्म करता है। बट अगर आपको हमारा ओपिनियन जानना है तो मैं आपको बता दूं कि हम इसके साउंड आउटपुट या साउंड क्वालिटी से सेटिस्फाइड है। अब हम चेक करेंगे कि ये केबल कौन से डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट्स को कैरी कर सकता है, जैसे कि नॉर्मल डॉल्बी डिजिटल, देन DTS या डॉल्बी डिजिटल प्लस। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि वेदर ये केबल नॉर्मल डॉल्बी ऑडियो को कैरी कर पाता है कि नहीं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम इस टाइटल को प्ले करेंगे और प्ले करने के बाद इसके ऑडियो सेटिंग्स पर चले जाएंगे। तो ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है कि ये टाइटल नॉर्मल डॉल्बी ऑडियो के साथ एनकोड किया गया है, मतलब कि ये टाइटल में हमें नॉर्मल डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है और हमने यहाँ पर पास थ्रू को भी एनेबल कर रखा है। तो आइए अब इसे प्ले करते हैं और टेस्ट करते हैं कि वेदर हमें साउंड आउटपुट मिलता है कि नहीं। Admiring your show from afar. Comfort, the enemy of progress. Do you understand that just associating with you could cost me my inheritance? Oh, it could cost you more than that. You'd be risking everything, but on the other hand, you just might find yourself a free man. तो जैसा कि आपने देखा, इस टाइटल को प्ले करने के बाद हमें साउंड आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये केबल एटलीस्ट नॉर्मल डॉल्बी ऑडियो को तो कैरी कर ही पाता है। अब हम टेस्ट करेंगे कि वेदर ये केबल DTS ऑडियो फॉर्मेट को कैरी कर पाता है कि नहीं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम एक ऐसे टाइटल को सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमें DTS का ऑडियो फॉर्मेट मिल जाता है। तो इसके ऑडियो सेटिंग्स पर आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है कि ये टाइटल DTS ऑडियो फॉर्मेट के साथ आता है और हमने इस पर भी पास थ्रू को एनेबल कर रखा है। तो चलिए अब इस टाइटल को प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि हमें साउंड आउटपुट मिलता है कि नहीं। Thank you, man. तो जैसा कि आपने सुना, हमें इस पर भी साउंड आउटपुट मिला। तो इसका मतलब यही है कि ये केबल इतना पावरफुल है कि ये DTS जैसे साउंड फॉर्मेट को भी कैरी कर सकता है। एट द एंड हम टेस्ट करेंगे कि वेदर ये केबल एडवांस्ड डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट जैसे कि डॉल्बी डिजिटल प्लस को कैरी कर पाता है कि नहीं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम इस टाइटल को प्ले करेंगे जिस पर हमें डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए इसे प्ले करते हैं और चेक करते हैं। तो इसे प्ले करने के बाद हमें कोई भी साउंड आउटपुट नहीं मिला और जितना साउंड आउटपुट मिला वो सही तरीके से सुनने के लिए हमें वॉल्यूम को एटलीस्ट 100% करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वायर इतना भी पावरफुल नहीं है कि ये डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसे ऑडियो फॉर्मेट को कैरी कर सके। Mi Box 4K जैसे एंड्रॉयड TV बॉक्स पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है,
तो अगर आपके साउंड बार पर भी ब्लूटूथ ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसे बॉक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसे कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले साउंड बार को पेयरिंग मोड पर डालना होगा और फिर मी बॉक्स 4K के सेटिंग्स पर चले जाना होगा। सेटिंग्स के अंदर आपको रिमोट एंड एक्सेसरीज वाले सेक्शन के अंदर जाना होगा और उसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ऐड एक्सेसरीज का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके अंदर जाते ही मी बॉक्स 4K आपके अवेलेबल ब्लूटूथ रिलेटेड डिवाइसेस को सर्च करने लगेगा और जैसे ही आपके साउंड बार का नेम वहां पर अपीयर होगा आपको सिंपली उसे सेलेक्ट करना है और फिर अपने साउंड बार के साथ उसे पेयर कर लेना है। जैसे आप उसे पेयर करोगे तो आपका साउंड बार मी बॉक्स 4K के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट ब्लूटूथ के साथ साउंड बार को यूज करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट जैसे कि डॉल्बी डिजिटल का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप नेटफ्लिक्स पर जाते हो और फिर ऑडियो सेटिंग्स के अंदर डॉल्बी डिजिटल या 5.1 रिलेटेड ऑडियो ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वहां पर आपको लिस्ट में कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपके टीवी पर HDMI ARC पोर्ट अवेलेबल नहीं है फिर भी आप मी बॉक्स 4K जैसे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स को साउंड बार के साथ कनेक्ट कर सकते हो और मूवीज या टीवी सीरीज को अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको ऐसे वीडियो टाइम पर और रेगुलरली देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।